हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं तुम्हें घुमाने लेके आया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी। मेट्रो स्टेशन ही है ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से गेट नंबर 1 से उतर जाना और 10 रुपये का रिक्शा, पैदल भी आ सकते हो लेकिन 10 रुपये का ई रिक्शा ले लेना, कंफर्टेबली आना। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है, हफ्ते के 7ों दिन। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा टिकट का हिसाब किताब लिखा हुआ है। इंडियन सिटीजन के लिए 30 रुपये, विदेशी के लिए 350। अभी दोस्तों मैं ये गेट से एंटर कर रहा हूँ और शुरुआत में ही आपको देखो पक्षी मिल जाएंगे। ऐसे है इसकी एंट्रेंस। मैं सीधा सीधा घुस रहा था, भाई ने मेरे को पकड़ा, हाँ भाई टिकट किधर है। मैंने बोला सर आप तो दिखे नहीं। तो यहीं पे बैठे रहते, यहीं से आपकी टिकट हो जाएगी मात्र 20 रुपए। 30 रुपए दोस्तों, टिकट मैंने करा ली है। अब चलते हैं आगे। टिंग में ही दोस्तों आपका ऐसे वेलकम हो जाएगा। अरे भाई क्या मस्त नजारा है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बर्ड्स के साथ साथ दोस्तों आपको लव बर्ड्स भी मिल जाएंगे। और ये देखो दोस्तों बहुत ही मस्त नज़ारा। थोड़ा आपको दोस्तों ये नाक बंद करके एंजॉय करना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की थोड़ी स्मेल आ रही है। ओब्वियसली पोल्यूशन बढ़ गया, पता ही है आप लोगों को। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन दोस्तों लग चुके हैं हमें। ऐसे छोटा सा यहाँ पे देखो बोट हट टाइप का बना रखा है जहाँ पे आप बैठ सकते हो अपने प्रिय मित्र के साथ। थोड़ा आगे चलते हैं, सीधा सीधा चलते जाओ दोस्तों, ये आपको दूसरा गेट मिल जाएगा, नेचर वॉक। हमें तो पता ही नहीं था भाई ये नेचर वॉक होने वाला है। यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह भी है क्या? वापस चल ले क्या? अब थोड़ा दोस्तों डर लग रहा, मैं तो पहन भी चप्पल आया हूँ, क्या करें। कुछ तो मस्त चिड़िया की आवाज़ आ रही है यार। मम्मी को यहाँ पे लाना चाहिए था, उनको ना ऐसे चिड़िया बहुत पसंद है, डिफरेंट टाइप के चिड़ियाज ना उन्हें बहुत पसंद है। हम रहते थे पहले गुलाबी बाग ग्राउंड फ्लोर में और आसपास ना वहाँ पे हरियाली है। तो यार हमें ना हर दिन मतलब एक नए प्रकार की बर्ड्स दिखने को मिलती थी। और नोएडा में क्या है साला, कबूतर के अलावा कोई नहीं दिखता है। बट कोई नहीं, आप ऐसे ओखला बर्ड सेंचुरी में आके इंजॉय कर सकते हो। गुलाबी बाग के पास ना बंदर पार्क है, तो मेरे को तो वो वाली वाइब आ रही है। वहाँ पे भी ऐसी हरियाली रहती थी बट ये वाला व्यू नहीं होता था। यहाँ पे आके दोस्तों आप रील्स वगैरह बना सकते हो। यार दोस्तों मैं तो अभी सीधा सीधा वॉक करता जा रहा हूँ, अभी कुछ भी दाएं बाएं जाने का स्कोप नहीं है। सीधा ये रैंप है, आपको चलते जाना है। भाई कपल्स, मैं क्या बोलूं भाई। अभी एक लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी, मैं आती नहीं, पता मैं तुम्हारे कारण आई हूँ और तुम ऐसे करते हो ना, हर बार करते हो ऐसे। मैं आती नहीं, आराम से घर पर सो रही होती। देखो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है और भाई यहाँ से हो रहा करंट पास और पूरा सुनाई दे रहा है भाई। ये थोड़ा डेंजरस मामला लग रहा है मेरे को, यहाँ से जल्दी निकलो बाबा। भाई ये रहा यार। अब हम आ गए दोस्तों मेन रोड पे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है और जो ऐसे वो पानी है उसका भी अब स्मेल नहीं आ रहा। उस साइड को थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हो, मतलब अपना खाना ला सकते हो, ऐसे कोई रोक टोक मना ही नहीं है। बट हाँ गंदा मत करना, आसपास ही आपको डस्टबिन मिल जाएगा तो वहाँ पे फेंक देना, ठीक है। ऐसे दोस्तों अभी सर्दियाँ लगने वाली है तो मौसम भी इतना ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गर्मी हो रही है, प्लेजेंट मौसम है, अच्छा मौसम है, बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। बड़ी लंबी वॉक है दोस्तों, जो भी खाया था सब हजम हो गया। तो दोस्तों आपको जगह जगह ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे खड़े रह के आप अपना फ़ोटो सेशन करा सकते हो, फोटो करो, वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मज़े करो। ये तो ज़्यादा दोस्तों देखो ऑनेस्टली बताऊँ कपल्स के लिए है, लव बर्ड्स के लिए है भाई ये जगह तो। और आ भी वो रखे एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ 25 से 30 कपल्स स्पॉट कर चुका हूँ और आगे भी दिख रहे हैं मेरे को।
भाई एक काम तो मैंने बढ़िया कर लिया, सनस्क्रीन लगा लिया था, धूप पड़ रही है तो भाई उससे तो बचा हुआ हूँ मैं। भीगी भीगी सी है रात, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंधे, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। दोस्तों बर्ड सेंचुरी में बर्ड तो नहीं दिखे लेकिन बकरियां जरूर दिख गई हैं। ये देखो बकरियां ही बकरियां। अरे दोस्तों ऐसे आप ई रिक्शा भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हुआ था तो उनसे मैंने पूछा कि भाई यहीं तक है क्या, तो कह रहे नहीं आगे ना एक टावर है, वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये देखो ये आगे एंड, अब बोल रहे हैं यहाँ से लेना है लेफ्ट, चल के देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए तो। भाई इससे तो मेरी अच्छी खासी फटी पड़ी है, एकदम आवाज़ आ रही है भाई, ऐसे यहाँ से पता चल रहा करंट पास हो रहा है। ये जगह बनाई गई थी शायद दुकान वगैरह के लिए, बट अभी तो ये एकदम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे कच्ची रोड है, एकदम बिल्कुल जंगल वाली वाइब आ रही है, इसी से जाना पड़ेगा शायद नीचे। दोस्तों हल्का मेरे को अभी डर का एहसास हो रहा है क्योंकि आप जगह देखो भाई, ये देखो डर लग रहा है दोस्तों, डर लग रहा है भाई। कोई बंदा ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है, कोई यहाँ ग्रिल सिस्टम कुछ भी नहीं है, पतला सा ये देखो पतला सा एक कच्चा रास्ता जा रहा है। तो पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा, टावर भी नहीं दिख रहा भाई, टावर बोल रहा है कहाँ है, दूर दूर तक कोई टावर नहीं है लग रहा दोस्तों। अरे भाई लग रहा दोस्तों गलती कट ले लिया मैंने। हाँ फाइनली दिख गया भैया, और एक कपल भी दिख गया अब तक का बेस्ट कपल लगा मेरे को। ये रहा वो टावर, आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। अरे क्या बात है दोस्तों, ये तो वर्थ इट है। अच्छा है यार, बढ़िया है यार। क्या पोल्यूशन है यार भाई कसम से, एक टावर उधर भी है अगर आप लोग स्पॉट कर पा रहे हो तो। मेरे को ना हमेशा से ही ट्रेन जर्नी ज़्यादा इंजॉयबल लगता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन जर्नी, क्योंकि ना ऐसे ट्रेन जर्नी आप करते हो खिड़की से ना आपको ऐसे व्यू देखने को मिलता है। अब दोस्तों इतनी ट्रैवलिंग कर ही ली है इतना जान का जोखिम ले ही लिया है तो आधा घंटा यहाँ पे थोड़ा सा बैठता हूँ, ये नेचर को, ये साउंड जो है बर्ड्स की, इनको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करता हूँ। ठीक है बहुत हो गया नेचर इंजॉय अभी वापस चलते हैं भाई, शाम होने वाली है उससे पहले यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपकी लाइफ में इस व्लॉग को देख के कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो लाइक शेयर और कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।